स्वीट एंड सार चिकन, एग फ्राइड राइस। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्वीट एंड सार चिकन। एक अदद बॉल ले लेते हैं और इसमें ये सारी चीज़ें शामिल करते हैं। अच्छा, चिकन को आपने बाइट साइज के पीसेस में काटना है, स्मॉल, ताकि एक बाइट में आपको काटना ना पड़े। ये चाइनीज़ खानों का एक और उसूल ये भी है। सो इसमें चिकन शामिल कर दिया, साथ में इसमें मैदा में डीप फ्राई करते हैं। कॉर्नफ्लावर इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर देता है। सो कॉर्नफ्लावर आ गया, साथ में इसमें लहसुन आ गया और साथ में इसमें अदरक, नमक और कुटी लाल मिर्च। बस तो सबसे पहला काम, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा, थोड़ा शामिल करने के बाद इसको मिक्स करके, इसको मिक्स किया सबसे पहले, और मैदा और कॉर्नफ्लावर मैंने थोड़े से रोक के रखा हुआ है। मैं इसको पहले मिक्स करूँगा, मुझे मिक्सिंग में ही आइडिया हो जाएगा कि हमें मैदा और कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और शामिल करना चाहिए कि नहीं। थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और इसको सबसे पहले यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट किया। मैदा, कॉर्नफ्लावर, अदरक, लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और बस। और इसको हमने इसमें अंडे शामिल नहीं किया। आप अंडे शामिल कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है हर रेसिपी में। इसको हम डीप फ्राई करेंगे। चाइनीज़ खानों का एक ही उसूल है, मेजॉरिटी ऑफ रेसिपीज़ को आप पहले चिकन, मटन, बीफ, फिश, प्रॉन्स कोई भी है, फिर आप फ्राई करके निकाल लेते हैं। सॉस अलग पकता है, उसके बाद इसके राइस बनेंगे और फिर जब इसको हम सर्व करेंगे उस टाइम हम ये चिकन उस सॉस में मिक्स करेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड रूल है। एक एक करके पीसेस में शामिल करते जाते हैं, डीप फ्राइंग करेंगे। कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 5 से 6 मिनट। स्वीट एंड सार चिकन के लिए चिकन हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया, तो स्वीट एंड सार चिकन बना रहे हैं। और इसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, 5 से 6 खाने के चम्मच। ये आ गया इसमें लहसुन। जायका अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, मैं तो इसमें क्वांटिटी शामिल कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से इसको जब भी मिक्स करेंगे, अभी मैं आपको बताऊँ किस स्टेज पर इसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें आ गई चिकन की यखनी और साथ में आ गया इसमें केचप 1 कप। इसमें आप केचप 1 से 1.5 कप शामिल कर सकते हैं, डिपेंड करता है, कुछ लोगों को जायका इसका पसंद होता है केचप का, कुछ लोगों को थोड़ा कम। ये भी चाइनीज़ खाना जो है अपने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। साथ में सिरका मैं भी इसमें थोड़ा कम से शामिल करूँगा। मैं इसको थोड़ा सा पहले बॉयल आने दूँगा और चीनी इसमें शामिल करूँगा। अभी नमक भी अभी शामिल नहीं कर रहा, जब से बॉयल आएगा पहले सॉस की क्वांटिटी मैं सेट कर लूँगी कितनी क्वांटिटी चाहिए। इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं, सेट हो गया मेरे हिसाब से। इसको अब मैं चखूंगा और मैं इसके टेस्ट फाइनल करूंगा। चीनी और जाएगी, सिरका और नहीं जाएगा और नमक थोड़ा सा जाएगा। बस सॉस मेरा हो गया सेट। इसको हमने मिक्स करना है, चीनी जैसी घुल गई और फौरन घुल जाती है इसमें। इसके बाद इसको हमने कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करना है। सो सॉस को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। सो इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल किया और दैट्स इट। ये हमारा स्वीट एंड सॉस सॉस हो गया रेडी, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा पकाएंगे और कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा शामिल करके इसको पहले सेट होने दें। ये कॉर्नफ्लावर शामिल होगा कि थोड़ी देर बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। अगर आप इसको बाद में सर्व कर रहे हैं तो फिर बेस्ट है कि इसको थोड़ा पतला ही रखें, क्योंकि थोड़ी देर बाद कॉर्नफ्लावर ज़रा इसको और गाढ़ा कर देगा, तो फिर ये ना हो कि इसका गाढ़ापन कुछ ज़्यादा हो जाए। पानी से इसको डिज़ोल्व तो कर सकते हैं, वो टेस्ट सेट करने में थोड़ा सा आपको इशू होगा। ये हो गया जी, बस इसको हमने 3 से 4 मिनट पकाना है सॉस को। तो हमारे दो स्वीट एंड सार चिकन पूरा रेडी हो गया। और अब हम आ जाते हैं हमारे एग फ्राइड राइस की तरफ। यहाँ पे पैन ले लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और इसके बाद जो अंडे हमने फेंक लिए और हल्का सा जर्दे का रंग शामिल कर दिया। अंडे अगर इसकी जर्दी काफ़ी येलो आ रही है, फिर ज़रूरत नहीं। जो हमने अंडे हमारे पास आए थे बिल्कुल तकरीबन सफ़ेद, मतलब बहुत ही हल्का येलो कलर था। वो अंडे अगर आप कलर नहीं करेंगे तो चावलों के रंग जैसे हो जाएंगे और अंडा फिर दिखेगा नहीं। ऐसे कोई मसला नहीं है कोई कि मतलब अंडा तो डला हुआ है लेकिन वो दिखेगा नहीं तो खूबसूरत नज़र नहीं आते। इसके बाद ये हमने फौरी तौर पे इसमें शामिल कर दिया अंडा और तेज़ आंच पे इसको करेंगे फ्राई और साथ में इसको तोड़ते जाएंगे। ये ले, इसको साइड पे किया और साइड पे फिर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और अब इसमें हम शामिल करेंगे गार्लिक जिंजर। इसको साइड पे ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये आ गया अदरक, ये आ गया लहसुन
और इसको इधर साइड पे ले लें, अंडा साइड पे। और ये हमने इसको इस वजह से अलग से फ्राई कर रहे हैं गार्लिक जिंजर को, कि ये अंडे के साथ मिक्स ना हो जाए, अदरवाइज़ अंडे के साथ फिर ये बिल्कुल उसके साथ ही मिक्स हो जाएगा तो चावलों में इसका फ्लेवर इतना आता नहीं। ये अंडा हमने साइड पर रखा हुआ है, इसको साइड पर किया और थोड़ा सा फ्राई किया बस। इसके बाद ये अंडा सारा पहले तोड़ना ज़रूरी, इस वजह से कि चावलों में फिर टूटेगा नहीं, चावलों के साथ आप इसको तोड़ेंगे तो चावल टूटेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स किया, इसके बाद आ जाएगी इसमें गाजर चॉप की हुई, हरा प्याज चॉप किया हुआ, थोड़ा सा नमक इसी स्टेज पे, ताकि इसमें अंडे में और सब्जियों में ये नमक थोड़ा सा मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें चावल शामिल कर देंगे बस। और चावल जैसे शामिल करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे फ्राई करना है, 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, 2 मिनट फ्राई करें, चूल्हा बंद करें। और ये हमारी आज की पूरी रेसिपी होगी रेडी। ये इसको मिक्स किया, सिर्फ 2 मिनट फ्राई किया, ये आगे हमने इसके राइस सर्व कर दिए, वेजिटेबल फ्राइड राइस। और इसका हमने जो स्वीट एंड सार चिकन का सॉस है वो मैंने अभी गर्म करने रख दिया है, जैसे थोड़ा सा गर्म होता है चिकन आखिर में मिक्स करना है और फिर सर्व कर देना है फौरन। तो सबसे पहले इसके राइस, केचप का कलर बहुत डल था, मैंने इसमें हल्का सा रेड कलर डाल दिया, बिल्कुल हल्का सा, तो आपको ज़रा लाल नज़र आएगा, लेकिन घर में बनाएंगे आप बोलेंगे यार वो जो बना रहे थे बड़ा रेड कलर था, कि हमने थोड़ा सा ज़रा चीटिंग मारी है, हल्का सा रेड कलर इसमें डाल दिया, अभी देखें कैसा ब्राइट कलर हो गया। स्वीट एंड सार चिकन, अच्छा चिकन बोनलेस दरमियाने क्यूब्स 500 ग्राम, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, क्रश्ड रेड चिल्ली 2 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, चॉप अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए चीनी 6 खाने के चमचे, केचप 1 कप, सिरका 1 कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 2 कप। एग फ्राइड राइस, अच्छा बासमती चावल उबले 3 कप, अंडे 4 अदद, हरी प्याज 2 अदद, चॉप गाजर 1 अदद, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप अदरक 1 खाने का चमचा, येलो फूड कलर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे।